नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी की सेहत अच्छी है और आप सभी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो चलिए आज हमारे बैच फ्लावर मेडिसिन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करने वाले एक और उम्दा बैच फ्लावर मेडिसिन की, जिसका नाम है अल्म, या इसको ELM कहके लिखते हैं, अल्म कहके इसको प्रोनाउंस करते हैं, और बहुत ही उम्दा बैच फ्लावर मेडिसिन है ये। वो मेडिसिन है जो हायर क्लास ऑफिशियल्स के अंदर, या ऐसा व्यक्ति जो बहुत जिम्मेदारी का पद संभाल रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलता है। तो क्या है इस दवा के लक्षण, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और आप मुझसे कनेक्टेड रहे। साथ ही साथ आपके कमेंट्स के और शेयर का भी इंतजार रहेगा। आपके कोई भी विचार मन में आता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है एलम के बारे में, वो शुरू करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों को ये वीडियोस बैच फ्लावर मेडिसिन सीरीज के पसंद आ रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, व्यू भी कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लगभग 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं ये काम को कंटिन्यू रख सकूँ। चलिए बात करते हैं अल्म की। अल्म एक ऐसे व्यक्ति के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलता है जो बहुत ही योग्यता वाला होता हो, जिसके अंदर बहुत कुशलता है और बहुत अच्छी तरह से वो काम कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी उसके मन में यदि डाउट आ जाए कि यार ये मुझसे काम होगा या नहीं, ये जिम्मेदारी मैं कर पाऊंगा या नहीं, या फिर कभी कभी उसके मन में यदि उदासी आ जाती है, तो उसका जो ये इम्बैलेंस है वो अल्म ठीक करने में कैपेसिटी रखती है। अल्म के अंदर ये कैपेसिटी है कि ऐसी उदासी को, ऐसे जो विचार है उनको कंट्रोल वो कर देती है। अब जानते हैं इसके कीवर्ड में। कीवर्ड है ओकेजनल फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, हमेशा नहीं, कभी कभी उसे लगता है कि मैं काम कर पाऊंगा या नहीं। साथ ही साथ पेशेंट के अंदर थकावट के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, डिस्पोंडेंसी के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी थोड़ा बहुत इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं कि कहीं मैं कर ही नहीं पाऊंगा यार, मुझसे नहीं होगा, इस तरह के डिस्पोंडेंसी के लक्षण कई बार हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये ऐसे लोगों के अंदर हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है मेडिसिन, जो बहुत ही ज़्यादा लायक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काबिल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, और अपने काम को अच्छी तरह से करने की इनकी क्षमता होती है। माहिर लोग जिसे हम कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट लोग अगर रहे किसी फील्ड में, बहुत ज़्यादा कोई अगर एक्सपर्ट है, तो ऐसे लोगों के अंदर हमें ये मेडिसिन इंडिकेटेड देखने को मिलती है। ऐसे लोग अक्सर हमें देखने को मिलता है कि बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे होते हैं, अच्छी पदवी के साथ में कोई बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। इनका सोचने का ढंग, काम करने की शक्ति और बड़ी जिम्मेदारी को निभाने की जो शक्ति होती है, वो सामान्य व्यक्ति के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। सामान्य लोगों के जो क्षमता होती है उससे ज़्यादा इनकी काम करने की क्षमता होती है, सोचने का ढंग बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों के अंदर हमें अल्म की जो दवा है काम करते हुए देखने को मिलती है। अब उदाहरण के तौर पे ऐसे व्यक्तियों को अगर उदाहरण देना रहा, तो हमारे जिले का कोई कलेक्टर यदि है, हमारे मुख्यमंत्री यदि है, प्रधानमंत्री यदि है, तो ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, कोई वैज्ञानिक संस्था पे टॉप पे उस संस्था का संचालक है, या फिर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसका यदि कोई मैनेजर है जिसे पूरी फैक्ट्री को मैनेज करना होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो बहुत सारे चीज़ों को एक साथ में काम कर सकते हैं, या फिर कोई यदि ऐसा कोई डॉक्टर है, ऐसा जो कामयाब डॉक्टर जो सिर्फ खुद के लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसे व्यक्ति जो खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं लेकिन हजारों जिंदगियों को बदलने का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें अल्म की दवा काम करते हुए देखने को मिलती है। नॉर्मली ये वो लोग होते हैं जो खुद का काम बखूबी निभा रहे होते हैं और इन्हें किसी तरह की थकावट नहीं होती है। बाहर से जो व्यक्ति देखता है वो सोचता है कि एक साथ में यह व्यक्ति कितने सारे काम कर रहा है और कितनी बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है,
लेकिन उस व्यक्ति को कभी थकावट महसूस नहीं होती है, अविरत वो खुद का काम करते रहता है और कभी उसे उसके बारे में कोई दूसरे थॉट्स नहीं आते, दूसरे मन में विचार नहीं आते हैं। लेकिन कभी कभी ओकेजनली ये व्यक्ति भी थक जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं और उनके मुंह से कभी कभी उच्चारण निकल ही जाता है, यार क्या ये एक इंसान का काम है क्या, यार ये क्या इतने सारे काम मैं अकेला ही करूँ क्या। इस तरह के यदि उच्चारण वो व्यक्ति कर लेता है, कई बार उसके मन में इस विचारों की अगली स्टेप भी देखने को मिलती है। मसलन वो कह लेता है कि यार ये तो एक व्यक्ति का काम नहीं है, मैंने तो पूरा जोर लगा दिया, मैं तो काम कर करके भी थक गया, अब बहुत थक गया, बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होता। ये थोड़ी सी उदासी के लक्षण भी हमें ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखने को मिलता है। तो ये इस तरह का सिनेरियो अगर आपको देखने को मिलता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपको देखने को मिलता है जो इस तरह की बातें करने लग जाए कि मैं अकेले का काम नहीं है, सालों से वो काम कर रहा है लेकिन अचानक से इस तरह बोलना अगर शुरू कर दे, इस तरह के सेंटेंसेस उसके मुंह से निकलना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि उसे अलम देने का काम आ गया है। तो कुछ देर के लिए ये व्यक्ति निराश भी हो जाते हैं, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो निराशा रहेंगी वो टाइमिंग रहेंगी, थोड़ी देर के लिए रहेंगी, वो जो समय है वो अगर निकल गया तो फिर से वही काम अच्छे से बखूबी वो करना शुरू कर देते हैं। तो टाइमिंग उदासी भी हमें देखने को मिलती है, थोड़ी देर के लिए उनके मन में उदासी सी हमें देखने को मिल सकती है। उनके मन में हो सकता है कि शरीर में थकावट उनके महसूस हो और ऐसे में थकावट के कारण वो खुद में कमी महसूस कर रहे हो या उनके मन में डाउट उत्पन्न हो रहा हो, इस तरह का सीन भी हमें देखने को मिलता है। इस तरह के हमें लक्षण भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन मन ही मन उन्हें पता होता है कि ये जो काम है ये मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही काबिल व्यक्ति हूँ जो यह काम कर सकता है और मैं ये काम बखूबी कर लूंगा, ये विश्वास उनके मन में हमेशा होता है, ये विश्वास कभी भी उनके मन में से नहीं जाता। तो ये चीज ख्याल में रखने वाली है और खुद के जो उदासी है, कमी है, कमी की जो भावना है उसको वो कंट्रोल कर लेते हैं और उसको ओवरकम कर लेते हैं और खुद का काम बखूबी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे गुण वाले व्यक्ति के अंदर यदि कभी किसी कारणवश मानसिक या शारीरिक रूप से थकावट हमें देखने को मिलती है, उनमें कोई कमी सी उनको खुद को महसूस होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें अलम नाम की जो दवा है ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हुए देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को ये दवा हमें दो दो बूंद सुबह शाम निश्चित तौर पर देना चाहिए। तो जैसा कि हमने हर बैचलर मेडिसिन में उसका पॉजिटिव साइड बताया, घन पक्ष इसका यही है कि ये हजारों जिंदगियां बदलने की क्षमता रखता है व्यक्ति और अच्छा काम करना चाहता है और खुद के कैपेबिलिटीज पे इसे कभी भी शंका नहीं होती है, लेकिन कभी कभी वो थकावट सी महसूस करता है, मानसिक शारीरिक थकावट सी महसूस करता है। तो ऐसे केसेस में हमें अलम ये दवा देनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने बताया लक्षण ये आपको ध्यान में आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सीन्स हमें देखने को मिल सकते हैं, किस तरह से पेशेंट हमें प्रेजेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है, कोई जिंदगी सभी के साथ एक जैसी नहीं होती है, किसी कुछ कम जिम्मेदारी आती है, कुछ कुछ व्यक्तियों के अंदर जिंदगी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दे देती है, वो जिम्मेदारियां निभा भी रहा होता है लेकिन कभी यदि उसे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां निभाने में मैं सक्षम नहीं हूँ या क्षणिक कमजोरी महसूस करे वो कि ये जिम्मेदारी शायद मैं ना निभा पाऊँ, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें एल्म के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे ताकतवर व्यक्ति जो बहुत ही व्यस्त रहते हैं और खुद का जो सराउंडिंग है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज रखते हैं, ये यदि थोड़े समय के लिए उदास या मायूस महसूस करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी हम अलम नाम की ये दवा बखूबी दे सकते हैं। इसके अलावा यदि क्षणिक थकावट किसी को महसूस होती है, यानी तेजी से यदि कोई काम कर रहा है और बहुत भागदौड़ वाला यदि काम कर रहा है और ऐसे व्यक्तियों के अंदर यदि क्षणिक थकावट तैयार हो जाती है, चाहे वो शारीरिक थकावट हो या मानसिक थकावट हो, ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें अलम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। यदि योग्यता की बात करें ऐसे लोगों के, तो वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने खुद को प्रूव किया होता है, वो
योग्य व्यक्ति होते हैं, लायक व्यक्ति होते हैं और इतने सालों से वो काम को संभाल रहे होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि वो काम शायद कोई और उतनी इफिशियंटली नहीं कर पाएंगे इतने जल्दी जितनी इफिशियंटली वो कर रहे हैं, ये बात वो लोग जानते हैं। तो जिम्मेदारियां लेते वक्त ये व्यक्ति अक्सर ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि जिंदगी में कोई ऐसा क्षण भी आ जाए कि मैं वो जिम्मेदारियां पूरी कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी खुद के ऊपर ले लेते हैं। तो जैसे मसलन कई बार हम जिम्मेदारी ले लेते हैं लेकिन पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार हमारी या तो सेहत साथ नहीं देती या फिर घर के अंदर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ ऐसा पारिवारिक काम आ जाता है जिसे हम नहीं छोड़ पाते हैं, या फिर कई बार होता है कि हम जो है एजिंग की वजह से थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिसमें नेचुरली शारीरिक और मानसिक कमजोरी डेवलप हो जाती है, तो पहले जितना काम हो पाता था वो इतना नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें ये लोग नहीं सोचते, जिम्मेदारी लेते जाते हैं और उसे निभाने की पूरी कोशिश करते जाते हैं। तो ये ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमें अलम ये दवा देनी चाहिए, इस दवा की दो दो बूंद हमें देना है और मोस्ट प्रोबेबली 6-7 दिनों तक यदि हम देते हैं तो वो जो सेंस ऑफ बैलेंस है वो ऐसे रोगियों के अंदर हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है, उनकी जो उदासी है वो कम हो जाती है, उनकी जो थकावट है वो उभर जाती है और फिर वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सकते हैं और उनका काम जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये था दोस्तों आज की बैच फ्लावर मेडिसिन एलम के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको ये जो जानकारी दी पसंद आई होंगी। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैच फ्लावर मेडिसिन के लक्षण और उनके फ़ायदे पता चल सकते हैं और वो इन दवाइयों को यूज़ करके खुद के जीवन में परिवर्तन ला सके। तो मिलते हैं अगले गुरुवार को इसी सीरीज़ के साथ में। संडे का सीरीज़ अलग से इस बार शुरू है, बीमारियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, शायद संडे को ऑटिज़म की बीमारियों के बारे में विस्तार से वीडियो में रिलीज़ करूँगा। थर्सडे को अगली बैच फॉर मेडिसिन के बाद बारे में जानकारी लेके फिर से इसी चैनल पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। खुद का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, बाय।